इस वेलकम बैक टू माय अदर सर्वाइवल सीरीज पार्ट टू वीडियो। तो आज की इस वाले वीडियो पे हम थोड़ा बहुत माइनिंग करने वाले हैं और एक बढ़िया सा टनल भी बनाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लेना। पहले हम हमारे स्पॉन पॉइंट पर जाते हैं क्योंकि वहीं पर ही बनाएंगे, वहाँ पर सही होगा बनाने के लिए। गाइस इसे फाइंड करते हुए हमको मिल चुकी है एक सुंदर सा पैरेट और इसको टेम करके हमारे साथ ले चलते हैं। गाइस गाइस कैसे रहे इसको कमेंट सेक्शन में बता दो कि कैसे है ये पैरेट। गाइस यहाँ पर तो हमको एक और पैरेट भी मिल चुकी है तो इसको भी टेम कर लेते हैं और इसको भी हम घर ले चलते हैं गाइस। और इन दोनों कैसे ले गए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। गाइस ये देखो वो एक और पांडा मिल चुकी है, वो ये तो हमारा पुराना कुंफू वाला पांडा है गाइस। तो इसको एक बैम्बू के लाके हम चलते हैं हमारे स्पॉन पॉइंट। ओ गाइस यहाँ पर हमको एक और पांडा मिल चुका है। ओ ये तो एक ब्राउन वाला पांडा है ना, और हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में दो पांडास मिल चुके हैं वो भी अलग अलग के। अगर ये भी कैसे अलग कमेंट सेक्शन में बता देना गाइस। गाइस फाइनली हम हमारे स्पॉन पॉइंट पर आ चुके हैं गाइस। तो इन दोनों को यहीं पे बैठा के हम काम करते हैं। पहले हम ना ये बैम्बू सब कुछ लगा देते हैं, ये हो गए गाइस बैम्बू लगाना। और इसके बाद हम कोई बात नहीं, पहले एक और चेस्ट बनाते हैं गाइस क्योंकि हमारे पास तो बहुत सामान है, इन दोनों को पहले स्टोर कर लेना होगा सभी को। तो इसलिए हम एक चेस्ट बनाने वाले हैं और हो गए गाइस चेस्ट बनाना। और इसको यहाँ पर प्लेस करके इसमें ना सभी सामान रख देते हैं जो भी हमको उतना यूज़फुल नहीं है, उन सबका भी चेस्ट पे ही लगा देते हैं। और अब फूड भी बना लेते हैं क्योंकि जब तक पकेंगे तब तक हमारा थोड़ा बहुत काम हो जाएंगे ना, इसलिए। तो एक हमको एक ने डायमंड भी मिल चुके हैं हमारे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वाली वीडियो का लिंक दिया है, पहले उसको जाके देख लो और फिर इस वाले वीडियो पे आ जाना। तब तक कि हम ये एजेलिया वाले प्लांट्स भी लगा देते गाइस, इनका भी हमको सीड्स मिला है ना पिछले वाले वीडियो में, और इसका भी एक अभी लगा देते हैं। हाँ चेस्ट खोल के ना और भी कुछ सामान मिले हैं, इन सभी को भी चेस्ट में रख लेते हैं। चलो अब कब होगा ये फूड को, तो बहुत टाइम लगा रहेगा इस एक फूड होने में।
यहाँ पर से हम हमारा टनल बनाने शुरू करते गाइस। और यहाँ पर एक और ब्लॉक लगा के अब चलो शुरू करते, आप एंजॉय करो गाइस, मैं तब तक की बना लेता हूँ सब कुछ। और गाइस ऐसे माइंड करते हुए हमको स्केलेटन और ज़ॉम्बी फाइट कर रहे हैं गाइस, कौन जीतेगा आप पहले कमेंट सेक्शन में बता दो। और ये स्केलेटन, ओ गाइस स्केलेटन मार दिया, हम इसको भी मार के चलो फिर से हम माइनिंग पे जाते हैं गाइस। अब यहाँ पर एक और फाइट चल रहा है स्केलेटन वर्सेस स्केलेटन गाइस, इसमें कौन जीतेगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। ओ गाइस ये स्केलेटन, अब यार इसको भी मार दिया पिछले वाले ने, रुको इसको भी वहीं पे छोड़ देते, चलो फिर से माइनिंग पे माइनिंग करते हैं गाइस, आई मीन टनल बनाते हैं।
अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। गाइस अब ये स्टेज लगा के हमारे टैलेंट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देते गाइस। गाइस सब ऑलमोस्ट होने वाले हैं, 1, 2 और 3, 5, कितना स्पीड से चलते हैं गाइस, देख रहे हो ना कि कितने स्पीड से मैं ऊपर जा रहा हूँ। आप भी अपने सर्वे वर्ल्ड में ट्राई करो ऐसे एक माइनिंग टनल, बहुत आसानी है इसको बनाने में। गाइस देखे ना कि मैं इतना जल्दी से आ गया ऊपर। गाइस मैंने फिर से गेम स्टार्ट किया तो ये क्रीपर आगे फट गए और ये दोनों नहीं रहे गाइस, क्रीपर ने मार दिए इन दोनों। गाइस अब थोड़ा ओर्स भी कलेक्ट कर लेते हैं। पहले हमको ना एक कोल का ओर मिला। गाइस आप काउंट करना कि मैंने कितना कोल कलेक्ट किया अंत में। अब आप एंजॉय करो कि मैं अपना माइंड करता हूँ ओर्स को आज के। तो
गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। रुको मैं अब दिखाता हूँ कि मैं कितना माइंड किया हूँ उसको। गाइस देख रहे हो ना, मैंने सिर्फ इतना ही माइंड किया, थोड़े बहुत, ये तो काफ़ी है मेरे को। चलो गाइस फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय।